एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अंश पंडित फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। इस वीडियो में अपन कुछ पिक्चर आर्ट के कुछ टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि गैस उस फोटो को देखा रहे हो, इस फोटो में देख रहे हो, बहुत काफ़ी फ़र्क है। तो अपने पिक्चर आर्ट की मदद से एडिट किया है। तो गैस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो गैस अपन कुछ चेंजिंग करने वाले हैं जिसमें बैकग्राउंड और फोटो एडिट करने वाले हैं। सबसे पहले पिक्चर आर्ट ओपन करना है। पिक्चर आर्ट ओपन करने के बाद में गाइस आपको थोड़ा सा टाइम ले लेना, यहाँ पर टाइम लग रहा है। जहाँ पे कोई भी फाइल पहले से ओपन हो तो उसको हटा देना है। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट ऑल फ़ोटोज़ पे जाना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल फ़ोटोज़ फिर बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले गाइस आपको। और बैकग्राउंड टूल्स के ऑप्शन, टूल्स से क्रॉप के ऑप्शन पर जाना है और फ़ोटो को थोड़ा सा ऐसे क्रॉप कर लेना है। आपको अपनी साइज़ डिसाइड करनी है गाइस। और यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे जाके अप्लाई कर देना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे मैंने एडजस्टमेंट कर लिया अपनी फ़ोटो को, तो अपन ने कर लिया। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से ऐड फ़ोटो का ऑप्शन ढूंढ लेना है और जहाँ पे ऐड फ़ोटो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। और यहाँ पे फर्स्ट बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट बैकग्राउंड अपना ये वाला है जिसमें ग्रीन, हाँ ये वाला बैकग्राउंड है अपना। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे गाइस, क्रॉप करेंगे पहले। सबसे पहले क्रॉप करने के बाद में गाइस यहाँ से अपन कुछ इसको सेट करने वाले हैं ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके भी हो जाएगा गाइस। आप नीचे की तरफ इसको पॉइंट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इरेज करना है इसको गाइस। इरेज की कुछ साइज़ आप देख पा रहे होंगे, जैसे साइज़ देख लो गाइस, साइज़ देख पा रहे होंगे कितने क्या रखना है। और ऐसे रख के आप भी कुछ अपने जैसा बैकग्राउंड बना सकेंगे गाइस। यहाँ से इरेज कर लेना है सबसे पहले आपको गाइस यहाँ से। और मैंने इरेज कर लिया बहुत ही फास्टली, एंड आपको भी कर लेना है। अपने को सेकंड बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, फिर ऐड फ़ोटो पे जाके गाइस वापस से। तो यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे जाके अपन सेकंड बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। तो अपना सेकंड बैकग्राउंड कौन सा होगा गाइस, तो अपना सेकंड बैकग्राउंड ये होगा। कुछ इसको एडजस्टमेंट करना है गाइस, यहाँ से थोड़ा ऐसे जूम कर लेना है इसको। और जूम करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट कर लेना। और एडजस्टमेंट करने के बाद में इसमें यहाँ पे अपन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको एफएक्स के पास में एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा जहाँ पे आपको लाइटरूम की तो रखना है 20 रखना है और कंट्रोल रखना है 83। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 83 पे रखना है कंट्रोल को। और यहाँ से भी अपन कुछ थोड़ा सा मतलब कि रिमूव करने वाले हैं बैकग्राउंड में, चेंज लेके आएंगे ताकि थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगे अपना बैकग्राउंड भी। और यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे जाके वही सेम रखना है, इरेज वाला 20, 23, 2600। ओके, तो यहाँ सब मैंने डिसाइड कर लिया और मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ फास्टली। गाइस आपको भी फास्टली रिमूव कर लेना है बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। आपको एडजस्टमेंट करने के बाद थर्ड बैकग्राउंड पे जाना है और थर्ड बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ से आपको ऐड फोटो का ऑप्शन है, वहाँ पे ऐड फोटो इसको थोड़ा सा अपन को साइड का जो साइड में है, साइड से बादल का थोड़ा सा इफेक्ट डालना चाहिए गाइस। ओके, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इसको करके सेलेक्ट। और यहाँ से आप देख पा रहे हो जैसे मैंने एडजस्टमेंट करा है वैसे ही आपको एडजस्टमेंट करना है हर फोटो को। और ये सारी फ़ोटो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी गाइस। तो इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले और वही सेम चीज़ें रखना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अपन वही चीज़ करना है, कंट्रोल लाइट 20 और कंट्रोल 83 के आसपास रखना है। ओके, तो यहाँ से अपन कुछ रख लेते हैं, कर लेते हैं पहले सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद में अभी इरेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट मतलब कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा इस फ़ोटो को, क्योंकि ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है ये फ़ोटो, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट करने के बाद में इरेज के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हैंडल्स वगैरह को और साइज़ वगैरह सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी से क्या करना है, इरेज कर लेना है। इरेज हो गई ये फ़ोटो को। इरेज होने के बाद में गाइस अपन को क्या करना है, ऐड फोटो पे वापस जाना है और एक और नया बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है जो कि अपना फोर्थ बैकग्राउंड है गाइस। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ये
सेकंड थर्ड वाला बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे ही होगा, तो अपन को फोर्थ वाला बैकग्राउंड को अपन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करना है। इस फोर्थ वाले बैकग्राउंड को ऐसे उल्टा घुमा लेना है। इसको उल्टा घुमाने के बाद में गाइस इसको देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि गाइस यहाँ पे थोड़ा सा साइड बिठाना है। यहाँ पे स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसा अपन को क्या करना है, इस इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करना है, इरेज करना है जल्दी से। तो साइज़ को 100 रखेंगे और वही सेम होगा इस 26 और 20। ओके, तो 20 और इरेज कर लेना जल्दी से, फास्टली इरेज करना, ऐसे धीरे धीरे इरेज नहीं करना। मैं फास्टली कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे कर लेना चाहेगा इस। और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा ऊपर, तो अप्लाई करते रहना। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ अपना फिफ्थ बैकग्राउंड अपना जो मेन लोकेशन है वो हो गया इस। तो यहाँ पे मेन लोकेशन को ऐड कर लेता हूँ मैं। आपको भी ऐसे जूम वूम करके एडजस्टमेंट करना है इस फोटो को। ओके, तो एडजस्टमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके वही सेम चीज़ करनी है वापस से सेम चीज़ करनी है। इरेज विरेज करना, जल्दी से इरेज कर लो यार, आ जाओ जल्दी से इरेज कर लेते हैं। तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इरेज काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो गया, इस यहाँ से इसको हटा दें वापस से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा ऐसे हट चुका है। तो यहाँ से इरेज के ऑप्शन पे वापस क्लिक करूँगा मैं और इरेज कर लिया अपन ने। और यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे जाके अपन को थोड़ा सा इसको मतलब कि अपन करेंगे इसको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाएंगे गाइस। ओके, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बना रहे हैं अपन, तो जैसे कि देख पा रहे होंगे अपन ने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बना ली है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इफेक्ट विफेक्ट डाल के आपको भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बना लेनी है। और थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे डार्क मूड दिखाना है गाइस, जहाँ पे ऐसे बादल वगैरह ऐसे दिखना चाहिए कि गरजते हुए बादल वगैरह है ना। उसके लिए अपन को कर लेना सेलेक्ट वाइट, और आपके हिसाब से जैसे आपको एडजस्टमेंट कर सकते हो वैसे कर लेना। मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इरेज करके वापस से इसको जितनी जगह से अपन ने इरेज करा उतनी जगह से मैंने वापस इसको मैं ब्लैक एंड वाइट करने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने वापस से इसको ब्लैक एंड वाइट करा है, ताकि यहाँ पे जो अपन लड़के को फोटो एडिट करेंगे उस टाइम पे तो अपने कोई प्रॉब्लम ना हो गाइस इसलिए। ओके, तो फाइनली अपन ने यहाँ से सब चीज़ें एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अपना लास्ट एज फाइनल बैकग्राउंड और उसके बाद में सेवन्थ बैकग्राउंड होगा। तो गाइस अपना जो बैकग्राउंड एडिट करेंगे अपन, जिसमें अपन हिरन की फ़ोटो ली है, तो अपन ने हिरन को सिलेक्ट कर लेना है। और हिरन को सिलेक्ट करने के बाद में गाइस कुछ जूम कर लेना, आपको सबसे पहले जूम कर लेना। जूम करने के बाद में गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है और इरेज के ऑप्शन पे इरेज करना है इसको जल्दी से। और वो ही सेम चीज़ रखनी है 20। ओके, तो यहाँ से इरेज के ऑप्शन पे जाके जल्दी से इरेज कर लेना है इसको। ओके, तो इरेज करते हैं अपन। और इरेज करने से पहले गाइस एक चीज़ और बोल देता हूँ मैं, इरेज हो रहा है अपना, तो अपन इरेज करते करते गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले आए। और एक अपने फेवरेट दोस्त को शेयर करना यार, वो भी अपनी फ़ोटो को कुछ अपनी तरह एडिट वेडिट करना चाहे तो एडिट कर सकता है गाइस। तो अपन बहुत ही मुश्किल से एडिट वेडिट करते हैं गाइस, और काफ़ी बड़ी वीडियो भी बनने वाली है ये अपने चैनल की। तो गाइस ठोको यार लाइक जल्दी से, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो गाइस जल्दी से करो यार, बन के सब्सक्राइबर कराओ गाइस। तो यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और एक अपने फेवरेट फ्रेंड के साथ कर देना शेयर। तो लास्ट अपना बैकग्राउंड है, यहाँ पे स्क्रीन के ऑप्शन पे जाके वापस वो ही करना है। और गाइस यहाँ से आपको इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके इरेज करना है गाइस जल्दी से। यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे जाके इरेज कर लेना इसको फटाफट से। गाइस मैंने इरेज भी कर दिया है, और जैसे कि देख पा रहे होंगे कि अपन ने इरेज कर लिया फाइनली अपना बैकग्राउंड। भाई बहुत ख़तरनाक बैकग्राउंड अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया, फाइनली बहुत प्यारा बैकग्राउंड बन रहा है, बन चुका अपना। तो यहाँ से वापस से इरेज करके थोड़ा सा मतलब कि ऐसे जहाँ जहाँ पे अपने को साइड नहीं बैठ रहा वहाँ वहाँ पे अपन को वापस से इरेज करना है इस, ठीक है। और इरेज करने के बाद में अपना जो मेन पर्सन है उसको लेके आना है। ओके, तो यहाँ से ऐड फोटो पे जाके आपको पर्सन है उसको लेके आना है, सेलेक्ट कर लेना। और गाइस मैंने रीमू के ऊपर भी फोटो बैकग्राउंड रीमू के ऊपर भी वीडियो बना रखी है इन जस्ट वन क्लिक में,
आप जाके वहाँ से बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको इस फ़ोटो को जो पर्सन है उसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। ओके, एडजस्टमेंट करने लेते हैं अपन इसको, और इसको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में रखना ताकि ये बहुत प्यारी फ़ोटो लगेगी इस। ओके, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे बहुत प्यारी फ़ोटो लग रही है अपनी, कुछ फाड़ू भाई, बहुत ज़्यादा फाड़ू फ़ोटो लग रही है। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, तो बहुत ज़्यादा फाड़ू फोटो लग रही है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहले मिलती रहे। और वॉचिंग के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, कीप सपोर्टेड, थैंक यू सो मच।